आप सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है फ्रेंड्स। जैसा कि अगर आपका भी पीएफ कट रहा था या फिर कट रहा है और आपके पीएफ खाते में अभी भी पैसा पड़ा हुआ है तो ईपीएफओ के द्वारा हर साल आपके जमा पूंजी पे ब्याज दिया जाता है। अभी करेंट में 2023-2024 का आपको ब्याज मिलने वाला था। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर ईपीएफओ हमें ब्याज कब देने वाला है, तो अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। फाइनली ईपीएफओ ने जन्माष्टमी का तोहफा आप सभी मेंबर्स को दे दिया है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं एक एम्प्लॉय के केस में, तो इनका इंटरेस्ट का पैसा आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों के केस में यहाँ पे पैसा नहीं देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट डिटेल में NSO कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और किन किन लोगों का पैसा रिसीव नहीं हो रहा है और आपका पैसा अगर रिसीव नहीं होता है तो क्या करना है, आज के इस नए वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे ईपीएफ पासबुक सर्च करना है। यहाँ पे ये वाली जो वेबसाइट देखने को मिल रही है passbook.epfindia.gov.in, इस वाले वेबसाइट पे ही आपको चले जाना है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ चुकी है। यहाँ पे आपको अपना UAN नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है और ये जो कैप्चा है कैप्चा इधर एंटर कर ले रहा है। हमारे केस में कैप्चा समझ आ रहा है तो हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत वाला कैप्चा है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नया कैप्चा एंटर करने के बाद आपको साइन इन कर लेना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। देखिए ये वाला जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, अब ये एक मिनट के अंदर में ही आपको इधर एंटर करना है और उसके बाद से यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पासबुक का पोर्टल ओपन होकर के आ चुका है। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है लॉगिन करने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सोल्यूशन वाली वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इनके केस में आप देख सकते हैं कि केवल और केवल एक ही कंपनी में इन्होंने काम किया है, लेकिन आपने अगर मल्टीपल कंपनी में काम किया है ना तो यहाँ पे सभी कंपनियों का देखने को मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पासबुक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम पासबुक चेक करेंगे और इनके केस में थोड़ा सा नीचे के साइड आ जाएंगे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पूरा पासबुक देखने को मिल चुका है। अब अगर आपने काम छोड़ दिया है तो आपका पैसा जमा होना तो बंद हो गया होगा, लेकिन अगर जमा पूंजी पड़ी है तो उस पर भी ईपीएफओ के द्वारा ब्याज दिया जाता है। अब चूंकि अभी करेंट में 2024 में जो भी आपको ब्याज मिलने वाला है वो 2023-2024 का मिलने वाला है, तो यहाँ पे 2023 वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है, INT लिखा रहेगा, इसका मतलब इंटरेस्ट होता है। अपडेटेड अप टू 31/3/2024। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है उसका ही यहाँ पे देखने को मिला है, 31/3/2024 तक का आपको इंटरेस्ट मिल गया है और इंटरेस्ट का पैसा यहाँ पे शो करेगा कि आपके केस में कितना पैसा मिला है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफ़ी लोगों के केस में वेरिएशन देखने को मिलेगा। देखिए अगर ये जो वेरिएशन है आपके पैसे के ऊपर देखने को मिलता है, जो भी आपका जमा पूंजी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा यहाँ पे ब्याज मिलेगा, अगर आपने पैसा ज़्यादा निकाल लिया है कम पड़ा है तो कम देखने को मिलेगा। और जो आपको ब्याज मिलता है वो एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर पे ही मिलता है। यहाँ पे जो पेंशन का शेयर है इस पे आपको एक रुपया भी ब्याज नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको 0-0 देखने को मिलेगा। अब कुछ लोगों के केस में अगर वो 2024 में ब्याज ले रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इधर 2024 में चेक करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट डिटेल NA करके आएगा, यानी कि इसमें आप ब्याज नहीं देख पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्याज है ये 2025 में मिलेगा आपको, तो ये वाला नहीं चेक करना है। क्यों? क्योंकि ये 2024-2025 का पासबुक दिखता है जब 2024 सेलेक्ट करते हो, तो अब आपको 2023 ही सेलेक्ट करना है और यहाँ पे चेक करना है। अब 2023 आप सेलेक्ट कर रहे हो और फिर भी यहाँ पे NA लिख करके आ रहा है, यहाँ पे आपको ब्याज का पैसा नहीं दिख रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि जो भी पीएफ ऑफिसेस हैं वो अलग अलग पीएफ ऑफिसेस होती हैं और अलग अलग पीएफ ऑफिसेस में अलग अलग टाइम पे आपका इंटरेस्ट का प्रोसेस देखने को मिलता है। कुछ लोगों को थोड़ा पहले आ जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा बाद में मिलता है। हमारे केस में हम यहाँ गुड़गांव के पीएफ ऑफिस का देख रहे हैं तो ब्याज मिल चुका है। अब आपके केस में अगर ब्याज नहीं मिला है तो कौन सा पीएफ ऑफिस है, कहाँ पे किस ऑफिस से आप बिलोंग करते हो, यानी कि कहाँ पे आपका पीएफ जमा है, वो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और यदि आपका पीएफ का पैसा मिल गया तो भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपका पैसा किस पीएफ ऑफिस में जमा होता है और किस पीएफ ऑफिस ने आपको पैसा ब्याज का दे दिया है। अब कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आते हैं कि सर मुझे तो 2022-23 का ही पैसा नहीं मिला है, तो एक बार आप सुनिश्चित कर लीजिए कि 2022-23 का अगर आप चेक कर रहे हैं तो क्या आप 2022 का सेलेक्ट करके देख रहे हैं, क्योंकि 2022 का आप सेलेक्ट करेंगे तो ही आपको 2022-23 का पैसा देखने को मिलेगा। और फिर भी अगर आप चेक कर रहे हैं 2-3 साल वो पैसा नहीं मिला है तो आप हमें ईमेल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, चेक करके एक्चुअल इशू जो भी है वो बता दी जाएगी और आपकी प्रॉब्लम जहाँ तक है वो सोल्व करवा दी जाएगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो कि हम कवर नहीं कर पाए वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपका काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिए देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।